सीमा सुरक्षा बल अकेडमी टेकनपुर में 2 दिवसीय राष्ट्रीय पुलिस K9 सेमिनार का उद्घाटन किया गया। इस सेमिनार में CPF, CPO, भारतीय सेना, वायुसेना, सीमा शुल्क और वन्य जीव संरक्षण सहित विभिन्न सुरक्षा और पुलिस बलों के 40 अधिकारी, 40 अधीनस्थ अधिकारी एवं 160 अन्य रैंक कुल 240 प्रतिभागी ने अपने अनुभव साझा किए। इस सेमिनार में देश के अनुभवी पशु चिकित्सक, प्रशिक्षक और श्वासन संरक्षक शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम के उद्घाटन समारोह में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में BSF अकादमी के ADG निर्देशक रवि गांधी उपस्थित रहे। ग्वालियर से योगेश बिसारिया की रिपोर्ट। कुछ चीजों के ऊपर मैं जरूर कहूंगा कि जब ये सेमिनार को देखते हैं तो सेमिनार में श्वानों के जो हैंडलर्स हैं उनका भी उतनी ही महत्व है। ह्यूमंस की जब तक श्वान का प्रशिक्षण, जो कि हम ऑब्जेक्टिव चाह रहे हैं कि श्वान से हम ये पाना चाहते हैं, श्वान से सुरक्षा व्यवस्था में ये हम ऑब्जेक्टिव रखते हैं कि इतना हम हमारे साथ सहयोग करेंगे या इतना अचीव करेंगे, वो जब तक इन दोनों का समन्वय नहीं होगा तब तक वो चीज नहीं हो सकती। इन ब्रीड से उनका भी हड़प्पन सोसाइटी के टाइम से उल्लेख आता है, तकरीबन 5000 साल के दौरान वर्ल्ड वार 1 में भी, वर्ल्ड वार 2 में भी डॉग्स का यूटिलाइजेशन हुआ है। तो सेमिनार है, चूँकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है, तो MHA लेवल की सेमिनार्स होती हैं। और जैसा मैंने आपको बताया था, 5th सेमिनार है। इससे पहले सेमिनार बेंगलोर में हुई थी, BSF ने आयोजित की थी, और इससे पहले NSG ने आयोजित की थी। तो इस सेमिनार में हम जो श्वान हैं और जो श्वान के हैंडलर्स हैं उनका कैसे इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, सिक्योरिटी पर्पस जो है, सिक्योरिटी का ऑब्जेक्टिव वो कैसे अचीव हो, इसके ऊपर जितने श्वान विशेषज्ञ आए हैं, डॉक्टर्स आए हैं और एंड यूजर्स आए हैं जो कि श्वान को यूज़ करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन हो, काउंटर टेररिज्म हो, नक्सल ऑपरेशंस हो, बॉर्डर मैनेजमेंट हो, इन सभी में इस विषय के ऊपर गहन चर्चा करेंगे। श्वानों की हेल्थ के बारे में भी चर्चा करेंगे।